Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well and have an amazing day, guys. So in this video we will discuss about the aspergillus. So aspergillus is also known as urosium, right? Hum aspergillus ko urosium bhi bol sakte hain. So firstly we discuss about the vegetative structure and then we discuss about the reproduction process. So in the vegetative reproduction, the plant body is mycelial, okay? The mycelium consists of cylinder, tubular, pale color, extensively branched, thin walled hyphae. मतलब क्या है, जो प्लांट बॉडी होती है मैं माइसीलियल होती है, इसका जो माइसीलियम होता है ये सिलेंडर शेप की, ट्यूबुलर शेप की और पेल कलर की, ठीक है। एक्सटिवली इसके अंदर ब्रांचेज होती हैं और ये बहुत ज़्यादा थिन वॉल्ड हाइफी होती है, ओके। इसका हर एक जो सेल होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल हमको जो मिलता है एस्परजिलस का, वो होता है ऑयल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। और फिर ये इसका डायग्राम, इसमें ये इसकी सेल की वॉल है, अंदर वाली इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर न्यूक्लियर प्रेजेंट है, जो रिजर्व फूड है वो ऑयल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में है और इसके अंदर और इसका हरी जो सेल है वो मल्टी न्यूक्लियर, हम देख सकते हैं इसमें कितने सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। सो दिस इज द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, टेक द स्क्रीन शॉट एंड देन वी डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन। ओके, सो फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। सो इन एस्परजिलस, एंड एस्परजिलस इज ऑल्सो नोन एज यूरोशियम, so the reproduction is take place by three methods, right? So it reproduces by vegetative, asexual and sexual method. So firstly we will discuss about the vegetative method and then we'll discuss asexual and sexual method. तो चलिए सबसे पहले वेजिटेटिव मेथड देखते हैं। जो वेजिटेटिव मेथड के अंदर एक ही प्रोसीजर आता है फ्रेगमेंटेशन से, इसका डेवलपमेंट होगा कैसे, जो हमारे वेजिटेटिव माइसीलियम होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है, राइट। और इसका हर एक जो पीस होता है इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है और एक नई थैलेस की फॉर्मेशन करता है फेवरेबल कंडीशन में। टेक द स्क्रीनशॉट। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होता है ये कॉनिडियोफोर के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें कुछ सेल होते हैं फंगस के जिसको हम फूड सेल बोलते हैं। हर एक जो फूड सेल होता है वो एक स्पेशल इरेक्ट ब्रांच को निकालता है, एक आउटग्रोथ की तरह बाहर की तरफ उसे राइज अप करता है, ठीक है। और ये यंग कोनिडियोफोर कहलाता है, राइट। इसका जो एपिकल पोर्शन होता है कोनिडियोफोर का, उसके ऊपर क्या होते हैं, न्यूक्लिया एंड साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाते हैं, एपिकल पोर्शन होता है वो स्वेल हो जाता है एंड वेसिकल की फॉर्मेशन कर लेता है। अब क्या होगा, जो हमारा वेसिकल की फॉर्मेशन हो गई है उसकी सरफेस पे छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगी और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिगमेटा या फिर फियरलेट्स बोलते हैं, राइट। फिर जो कोनिडिया होते हैं, स्टेरिक मैटर या फिर फियरलेट्स क्या होते हैं, कोनिडिया अराइज होते हैं और ये अरेंज होते हैं पेसिपेटल सक्सेशन में। पेसिपेटल सक्सेशन कौन सा अरेंजमेंट होता है, जिसके अंदर सबसे जो यंगेस्ट कोनिडियम होता है सबसे ज़्यादा बेस पे प्रेजेंट होगा, सबसे लास्ट में प्रेजेंट होगा और जो ओल्डेस्ट होता है वो टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर ये जो कोनिडिया होते हैं ये इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब इनके डिस्पर्जन का कोई स्पेशल मेथड नहीं होता है। फिर जो कोनिडिया होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और बाद में ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, मतलब पहले कैसे थे यूनि न्यूक्लियर थे, बाद में कैसे हो गए मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गए। फिर फेवरेबल कंडीशन आने पर इनके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है कोनिडिया के अंदर और उनकी जो कोनिडिया की वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है। बाहर वाली वॉल रप्चर होते ही क्या होता है, अंदर वाली वॉल क्या करेगी, जर्म ट्यूब के रूप में बाहर आ जाएगी और ये जो जर्म ट्यूब होती है ये सेपरेट हो जाती है और नए माइसीलियम की फॉर्मेशन कर लेती है। इसका स्ट्रक्चर है जिसमें हम माइसीलियम देखेंगे, तो यहाँ पर है माइसीलियम, फिर यहाँ पर ये वेसिकल है, ये हमारा क्या है फूड सेल है, ये नीचे जो फूड सेल है इससे एक ब्रांच अकर हुई जिसको हमने कोनिडियोफोर बोला और उसके ऊपर क्या आ गया, ये वेसिकल आ गया। वेसिकल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म की कलेक्शन हो गई जिसकी वजह से वेसिकल की फॉर्मेशन हो गई। फिर उसके ऊपर क्या है, ये वाले ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गए जिसको हमने बोला स्टेरिगमेटा या फिर फिलेट्स, ठीक है। फिर इनके ऊपर क्या आ गया, ये कोनिडिया है, ये कोनिडिया प्रेजेंट है जो बेसिपेटल सक्सेशन में है। मेसिपेटल सक्सेशन कौन सा होता है, इसमें जो यंगेस्ट कोनिडियम होता है सबसे ज़्यादा बेस पे होता है और जो ऑल्डेस्ट होता है वो टिप पे होता है, तो ये हमारा सबसे पुराना और ये सबसे नया वाला कोनिडिया। फिर इसका इजीली डिस्पर्जन हो जाता है कैसे, अगर हम एक सिंगल कोनिडियम देखेंगे तो वो ब्लैक कलर का होता है, यूनि न्यूक्लियर होता है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन होती है, क्या हो गया मल्टी न्यूक्लियर हो गया, आउटर वॉल रप्चर हो गई, अंदर वाली फोल ज्योमेट्री के रूप में बाहर आ गई जो कैसी होगी सेपरेट हो गई, फिर इसने फर्दर डेवलपमेंट करके एक नई माइसीलियम की फॉर्मेशन की। So this is the asexual reproduction. Sexual reproduction we discuss in the next video. Thank you for watching and like this video and wait for the next video. Bye.